भिंड में राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के जिला अध्यक्ष कुलदीप भदौरिया ने बताया कि गोहद का रहने वाला अजीत गुर्जर ने राजपूत समाज पर अभद्र टिप्पणी की। इसको लेकर राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना और क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठनों ने मिलकर आरोपी युवक के खिलाफ भिंड ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मामला प्रत्याहार मेहर भोज की प्रतिमा से जुड़ा हुआ है। इसका पूर्व में ग्वालियर में प्रतिमा की नेम प्लेट पर गुर्जर लिखने पर विवाद शुरू हुआ था। इसका कर्णी सेना और क्षत्रिय संगठनों ने ग्वालियर में विरोध करते हुए चक्का जाम किया। तत्काल प्रशासन ने प्रतिमा को ढकवा दिया। क्षत्रिय संगठन ने कहा कि जब इस मुद्दे पर पूर्व से विवाद चल रहा था तो ऐसे में आरोपी युवक के द्वारा अभद्र टिप्पणी करना कहां तक जायज है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष भदौरिया, राहुल भदौरिया, सौरभ भदौरिया, आशीष राजावत, राम नरेश यादव, जिला सचिव के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो उनमें आगे जो गुर्जर शब्द लिख दिया गया है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय राजा थे तो उनके आगे गुर्जर शब्द किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ एसपी ऑफिस आकर जो हम लोगों का ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य है, गोवध के गुर्जर समाज के व्यक्ति ने हमारी माँ बहनों के खिलाफ, राजपूत समाज की माँ बहनों के खिलाफ गाली गलौज किया है, तो हमने माननीय एसपी साहब से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है और 2 दिन का टाइम मांगा। तो मेरे पास वीडियो आया था गोवध से, गल्ला मंडी के सामने उसका मकान है लड़के का, माँ बहन के लिए गालियाँ दे रहा है, राजपूत समाज को गालियाँ दे रहा है, और इसके वीडियो के माध्यम से तो एक विद्रोह का माहौल पैदा हो रहा है, दोनों समाज में विद्रोह होने की अब आशंका है। हमने एसपी साहब को दिया है आवेदन, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और अब ज़्यादा समय हो गया है, 15 दिन बीत गए, 15 दिन पहले दिया था कलेक्टर महोदय को, लेकिन 15 दिन बीत गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कल ग्वालियर में चक्का जाम हुआ है, वैसे ही 2 दिन बाद या 3 दिन बाद समय निर्धारित नहीं करूँगा और सभी राजपूत भाइयों की सलाह लेके 1 दिन भिंड में भी चक्का जाम किया जाएगा।